आजम गनी एक ऐसा नाम जो काफी कम उम्र में एक अच्छे बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है। हर आए दिन आजम गनी कोई नया बिजनेस स्टार्ट करते आ रहे हैं। गुलबर्गा शहर में हजरत ख्वाजा बंदा नवाज दरगाह को लाखों जायरीन आते हैं और उनके रुकने के लिए दरगाह के आसपास कई लॉज और गेस्ट हाउस बनाए गए हैं। और आजम गनी ने नवाज लॉज और गोल्डन बेड के बाद अब ये तीसरा गेस्ट हाउस नूर अल दुबई के नाम से टेक ओवर किया है। नूर अल दुबई गेस्ट हाउस का इनोग्रेशन मौलाना यासिर अशरफी साहब के मदरसे में पढ़ने वाले मासूम बच्चों के हाथों किया गया है। नूर अल दुबई गेस्ट हाउस में कुल 20 एसी और नॉन एसी रूम अवेलेबल हैं। बढ़िया एम्बियंस के अलावा यहां की खास बात बालकनी से दरगाह का खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। आजम गनी और उनके बड़े भाई मुकरम गनी और खुर्रम गनी के अलावा इनकी टीम में कई लोग मौजूद हैं, जिसमें से आबिद इंजीनियर जिन्होंने इस गेस्ट हाउस को डिजाइन किया है। इस इनोग्रेशन के मौके पर कई पॉलिटिकल, नॉन पॉलिटिकल लीडर, सोशल एक्टिविस्ट, बिजनेसमैन और शहर के जिम्मेदार यहां शिरकत किए थे। तमाम लोगों ने आजम गनी को एक और न्यू वेंचर को ओपन करने के लिए मुबारकबाद पेश कर जाहिरीन को नूर अल दुबई गेस्ट हाउस में रुक कर यहाँ की सहूलत से फायदा हासिल करने की गुजारिश की है। और आजम गनी ने भी सभी मेहमानों का शिरकत के लिए शुक्रिया अदा कर इस गेस्ट हाउस की डिटेल बताई है। मजीद तफसीलात के लिए आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ख्वाजा बंदे नवाज गेस्ट दराज रहमतुल्लाह अलैह के दरगाह के सामने नूर अल दुबई गेस्ट हाउस की इफ्तिताह हुई है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इसके ओनर आजम गनी साहब को, जो काफ़ी सालों से होटल बिजनेस में हैं। मैं समझता हूं कि इससे पहले 5 और गेस्ट हाउस उनके ऑलरेडी चल रहे हैं। ये बिल्कुल दरगाह के रूबरू, ये हिंदुस्तान भर से जो ज़ायरीन ख्वाजा बंदे नवाज गेस्ट दराज रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह को ज़ियारत करने के लिए आते हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही खूबसूरत एम्बियंस इसका है। और तकरीबन 18 एसी रूम्स भी अवेलेबल यहां पर हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से यहां पर इंतज़ाम उन्होंने किया है। मैं तमाम आवाम से, जो इंडिया में जो भी गुलबर्गा को आते हैं, दरगाह को आते हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि नूर अल दुबई गेस्ट हाउस को एक बार विजिट कर वहां पर अपन एक बार मुकाम कर यहां की फैसिलिटीज का फायदा लें। मतलब ये एक बार विजिट करें, एक बार हमको मालूम हो जाएगा कि भाई यहां पर आने के बाद मालूम हो जाएंगे भाई वाकई अल्हम्दुलिल्लाह हमारे भाई जो है बहुत अच्छी लोगों की सर्विस देना, बल्कि जो उनकी जो सोच है वो देख के जो बनाए हैं। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि भाई और अल्लाह ताला इनको तरक्की करें दे और आवाम की ऐसी ही खिदमत करते रहें। अस्सलाम वालेकुम। आज नूर अल दुबई होटल और लॉज की इब्तिदा हुई है। मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ आजम गनी को और यहाँ के जो है आर्किटेक्ट और बिल्डर आबिद रऊफ को। यहाँ में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर और अच्छे रूम हैं और तकरीबन 18 रूम अटैच बाथरूम के साथ हैं और बिल्कुल दरगाह के रूबरू हैं।
कि आजम गनी साहब एक नहीं दो नहीं बल्कि कई एक कारोबार में अपना हाथ आजमा चुके हैं और अल्लाह के रहम करम से इनको कामयाबी हर जगह अता हुई है। आजम गनी साहब ये कोई नया नाम नहीं है, गनी साहब बोल के दरगाह में हम छोटे रहे से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पर ये तो गेस्ट हाउस जो है नूर अल दुबई ये आज ओपनिंग हो रहा है दरगाह के बिल्कुल करीब में। आज एक नूर अल दुबई लॉज की इफ्तिता हुई है जो आजम गनी साहब जो एक दरगाह एरिया में काफी सारे लॉजेस चला रहे हैं, होटल चला रहे हैं, जितने भी रूम्स है फैमिली कंप्लीट सुपर डिलक्स रूम है। यानी जब आप हजरत ख्वाजा बंदेनवाज दरगाह की जियारत के लिए आएंगे तो आपको यहाँ का माहौल बिल्कुल आपको आपके घर की तरह मिलेगा। और जारीन के लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी दे रहे हैं और जारीन का भी ख्याल कर रहे हैं। आजम भाई का दिल की गौरव से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और एक बार आजम भाई को उनकी फैमिली को इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और अल्लाह ताला इनको कामयाबी और अता करे। मेरी बहुत जमाने से चाहत समझे, दोस्ती समझे, भाई बंदी समझे, लेकिन एक बेहतरीन काम हर आने वाले दिन अल्लाह उन्हें तरक्की दे आजम गनी साहब को और उनके तमाम लोगों को। और ये रिस्क हलाल है, मैं तमाम लोगों से चाहूँगा कि अच्छे काम करने वालों के लिए अपनी भी दुआओं में शामिल रखें ऐसे लोगों को। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज नूर अल दुबई की जो लॉज ओपनिंग हुई है गुलबर्गा शहर के अंदर, आपको बता दूं कि दरगाह एरिया जो काफी कमर्शलाइज्ड है क्योंकि लाखों के पैमाने पे यहाँ पर जाहिर आते हैं और खास तौर पर ये एरिया के अंदर बहुत अच्छा जो नाम जो सेटअप किया गया है जनाब आजम गनी साहब और उनकी जो ग्रुप है वो काफी अल्हम्दुलिल्लाह ये काम करते आया है। जैसे आपने देखा कि हाल ही में नवाज जो लॉज थी उन्होंने टेक ओवर करते वहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से रिनोवेशन किए, जहाँ पर आबिद इंजीनियर और नूर बिल्डर्स एंड डेवलपर का काम काफी शानदार रहा। उसके बाद गोल्डन बर्ड लॉज उन्होंने जो है ना ये की है, उसके बाद वही लाइन में ये तीसरी लॉज है जिसके अंदर 18 जो है जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली 18 कमरे हैं जो एक्सक्लूसिव प्रीमियम क्वालिटी कमरे हैं। ये बहुत ही अच्छी तरीके से लॉज बनाई गई है, डिज़ाइन अच्छे हैं, सर्विस बड़ी अच्छी है। तो मैं जनाब आजम गनी साहब को, उनके बड़े भाई साहब मुकरम साहब को और साथ खुर्रम साहब को, आबिद इंजीनियर साहब, असलम भैया हमारे यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिद भाई, पूरा ग्रुप है बेलोस होकर काम कर रहे हैं और ये लाइन के अंदर खास तौर पर उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से सक्सेस जनरेट किया है। खास तौर पे जो है मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सैयद शाह खुसरो हुसैनी साहब खिबला, जिनके जो है एक बहुत बड़े एहसानात हैं यहाँ पर, और उनके साथ साथ जनाब सैयद मोहम्मद अली अल हुसैनी साहब खिबला और डॉक्टर सैयद मुस्तफ़ा अल हुसैनी साहब आज जो है यहाँ पर मौजूद नहीं रह सके कुछ वजह से, लेकिन उन सब की दुआएँ यहाँ पर मौजूद है और उनकी वजह से जो है आज ये लॉज की ओपनिंग भी बड़ी शानदार हुई। और ख़ास बात इस लॉज की ओपनिंग में ये रही कि माशाल्लाह से मदरसे के जो बच्चे हैं दीनी के जो बच्चे उनके मुबारक हाथों से आज ये जो है पॉसिबल हुआ है, इब्तिदा हो चुकी है। जनाब मौलाना यासिन अशरी साहब का भी हम शुक्रिया अदा करना चाह रहे हैं। तो फिर से आजम गनी और उनके ग्रुप को मैं मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ। हमारी टीम हैश फार्म की तरफ से एहतराम से शाहनवाज और हमारे जितने भी ग्रुप हैं उन सब की तरफ से मैं भी शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ। उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है इस तरह से लॉज बनाते जाएँ, करते जाएँ और गुलबर्गा में जो ज़ाहरीन आ रहे हैं उनको अच्छी से अच्छी खिदमत दें। शुक्रिया, थैंक यू। खास बात आपको मैं बता दूं कि देखिए लॉज ओपन करना एक अलग चीज़ है, लेकिन उसको मेंटेन करने में जो मेहनत लगती है, डे टू डे जो इश्यूज होते हैं, डे टू डे सभी टीम को मैनेज करने में, मैं समझता हूं जनाब मोहम्मद खुर्रम गनी जो आजम गनी के बड़े भाई साहब हैं और जनाब जावेद हुसैनी साहब, असलम साहब, ये बहुत ही टीम जो ग्राउंड लेवल पर मैनेजर लेवल से लेकर नीचे जो ग्राउंड स्टाफ रहता है उनको लेना, रोज़ के रोज़ कस्टमर को हैंडल करना और एक ही नहीं बल्कि कई सारे लॉजर्स ये मैनेज कर रहे हैं, तो ये अच्छी टीम होना बहुत ज़रूरी है। एक तरफ जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है, आप अच्छे तरीके से काम करें, दूसरी तरफ आपकी
की वर्किंग टीम अगर अच्छी रहती है तो इसमें कामयाबी वर्ष मिलती है। तो मैं जनाब मोहम्मद खुर्रम गनी साहब को, जाहिद हुसैनी साहब को भी मुबारक देना चाह रहा हूँ। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आज नूर अल दुबई गेस्ट हाउस का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें एकदम स्पेशियस और लग्जरियस रूम है। एसी, नॉन एसी, अल्हम्दुलिल्लाह सब है। और उसमें ख़ासकर कस्टमर्स के लिए उनका जो भी सेटिस्फाइड पॉइंट ऑफ व्यू रहता, वो सबको नज़र रखते हुए हम करे हुए हैं। ऑलरेडी दो तीन जो लॉज हैं हमारे अच्छे लग्जरियस करे हैं ना, वो हिसाब से और ज़्यादा अच्छे से अच्छा उनको सर्विस देने के लिए हम लोग इसका ये करे हैं। आप कभी भी आइए, आपको 24 आवर्स सर्विस मिल जाएंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक बार रुकने के बाद दूसरों को भी सजेस्ट करेंगे, इंशाल्लाह एक बार विज़िट करिए। हमारे नूर अल दुबई गेस्ट हाउस का एड्रेस है अपोजिट ख्वाजा बाजार लेन पार्किंग एरिया, और बिसाइड गोल्डन बर्ड गेस्ट हाउस के है, एंड उसके नियर बाई आसिफ कमदान हॉस्पिटल भी है, आप आ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज अल्हम्दुलिल्लाह नूर अल दुबई गेस्ट हाउस की ओपनिंग हुई है। हमारे यासीन मुल साहब के मदरसे के जो काबिल बच्चे थे, जो दीनी तालीम के बच्चे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके हाथ से हम इनॉग्रेशन करे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा बरकत आने के लिए बच्चों से मैं ओपनिंग किया हूँ। ये गेस्ट हाउस में 18 रूम है और पूरे 18 रूम विथ एसी है। इसके अंदर अच्छी से अच्छी आपको फैसिलिटीज़ है। आप हमारे गेस्ट हाउस पर आइए, आके आप यहाँ पर अच्छे से अच्छा वक्त दे सकते हैं। सामने दरगाह का नज़ारा है, हज़रत ख्वाजा बंदनवाज़ दरगाह, एकदम विंडो ओपन करते ही नज़ारा, जो दरगाह को दिलो जान से मानते जो यहाँ तक आते हैं, वो पहले रूम मेरा ही बुक करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि मेरे को वैसा सामने मेरे को बैठने का भी मौका मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये लॉज दरगाह एरिया की पहली गेस्ट हाउस है, यहाँ पर कोई गेस्ट हाउस नहीं थे, ये लॉज बहुत पहले की है। हम इसको रिनोवेट करके आबिद रऊफ मजहरी इंजीनियर इसको बहुत अच्छे से पूरे रूम एकदम पूरे कंफर्टेबल रूम, टॉयलेट बाथरूम अटैच के साथ, फिर इंटीरियर के साथ वेटिंग एरिया, काउंटर एरिया, पैसेज, सब चीज़ से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से काम करे हैं। और हमारे ये लॉज के अब्दुल रशीद साहब जो बहुत पहले से चलाए थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा नाम रखे हैं। और मैं ये भी बोलूँगा पूरे दरगाह एरिया के लॉज वालों को एक मैसेज मैं दूँगा, एक हमारे ओपनिंग के चैनल के थ्रू, जो भी बगैर आईडी के रूम है वो अपने लॉज में मत दो, अल्लाह को डर के काम करो। हम अभी तक इतना हमको जो अल्लाह नवाजा है, हम कभी कोई कपल्स को नहीं दिए, कोई इलीगल कपल्स को भी नहीं दिए, ना किसी का आईडी रहा तो नहीं दिया, फैमिली रही तो उनको ही अलाउ कर रहे हैं। और मैं आप लोगों से गुजारिश है मेरी, आप लोग भी सब जने यही फॉलो करो, हमारे लिए भी बेहतर रहेगा, आपके लिए भी बेहतर रहेगा। और मैं मेरे भाइयों का
मेरे भाईजान का, जावेद भाई, खुर्रम भाई, मुकरम भाई, ये जो जिम्मेदार जो दिन रात इसको फोकस देते हैं, जो टाइम देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाले वक्त में दरगाह को जो भी आएंगे हमारे से अच्छी उनको सर्विस दी जाएगी।